हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज छोटा बेबी के लिए हम दलिया बना रहे हैं। देखिए, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है। आप लोग बड़े भी खा सकते हैं, 6 महीने के बाद कोई भी इसे खा सकता है। देखिए, दलिया बनाने, ये दलिया है, हम थोड़ा सा ही लिए, बहुत है ये। दो कोई के लिए, 2 से 3 कोई खा सकता है इसमें। ये दलिया है और ये देखिए मूँग की दाल है, ये मसूर की दाल है। बस हम इतना ही देते हैं और गर्मी का सीजन है इसलिए ज़्यादा इसमें सब्जी वब्जी कुछ नहीं पड़ेगा। बस एक तो टमाटर दे रहे हैं, एक आलू है। ये तीनों को अच्छे से धो लीजिए, एकदम 2-3 पानी जैसे। मैं डस्ट तो नहीं रहता, पॉलिश रहता ना, धोना जरूरी है। 2-3 पानी इस कटोरे में रख के ऐसे करके, ये देखिए अब इसको अच्छे से आप धो लीजिए पानी से। आपके पास टाइम है अब तो इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के छोड़ भी सकते हैं। इसको 2 से 3 पानी आप अच्छे से धो के, उसके बाद नमक और हल्का सा हल्दी, क्योंकि इसको पहले हम धो लेते हैं अच्छे से। थोड़ा हाथ से इसको लगड़ के धोइएगा। दाल है ना, पॉलिश वुलिश करता बहुत खराबी करता है, पेट को चाहता है। देखिए अच्छे से धुल गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम 1 चम्मच लगभग हल्दी, ये स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा। इसमें देखिए एक आलू कटा हुआ रखे थे और एक टमाटर, ये भी डाल दीजिए। वो बहुत ही आसान तरीके से बनाइए, एकदम सिंपल है, डेली सुबह नाश्ते में बच्चे को भी दीजिए। अब डाइट करना चाहते तो आप लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा तो इतना नहीं ना खाएगा, बच ही जाता है, इसलिए हम लोग भी खा लेते हैं। अब इसको अच्छे से बंद कर दीजिए और मीडियम आंच पर, धीमी आंच पर इसको पकाना है। ये देखिए इसको लगा दिए कुकर, इसको एकदम होता है, जितना कम आँच है वैसे में 2 सीटी या 3 सीटी ये अच्छे से पक जाएगा। ठीक है गाइस, ये बनने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, इसका ये हो चुका है, 5 मिनट पहले ही गैस बंद कर दिए थे, इसका सीटी भी निकल गया। अब इसको हम दिखाते हैं खोल के, ये कैसा बना हुआ है। देखिए अच्छा ही बना होगा ये, देखिए बहुत ही अच्छा बना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। छोटे बच्चे को ज़्यादा वेजिटेबल मिलाइएगा ना, तो उन्होंने खाने नहीं खोजता, उसको मुँह में फंसता, फिर ये थूक देता है या उल्टी कर देगा, ऐसे हो जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं सर्व करके, देखिए कितना अच्छा बना है। आप लोग भी नाश्ते में बनाइए, बड़े छोटे सब खा सकते हैं। हम लोग भी खाते हैं सुबह नाश्ता में। ये देखिए, मैं अपने हस्बैंड और बेटी के लिए निकाल रही हूँ। कटोरी में बेटी के लिए निकाल, ये छोटा कटोरी थोड़ा सा खाएगी। ये मेरा बेटी के लिए, इसमें आप घी डाल के खाइए, बहुत ही हेल्दी रहेगा। देखिए इसमें घी डाल दीजिए थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। बस देखिए गाइस कैसा लगा, आप लोग भी बनाइए और खाइए, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है ना। आप बाद में फिर हम खा सकते हैं, कोई इसको बोले तो 6 महीने के बाद इसको कोई भी खा सकता है, छोटा बच्चा, दांत जिसका है नहीं, बुजुर्ग बूढ़ा, कोई भी खा सकता है। आप लोग भी खाइए। थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए, लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय गाइस।